हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। और गाइज मुझे पता है इंट्रो जो है चेंज कर दिया है, पहले नमस्कार दोस्तों बोलता था। सो गाइज थोड़ा सा चेंज, और ये जो सेटअप है ये कम्प्लीटली न्यू स्टूडियो में मैं शूट कर रहा हूँ। सो लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट्स आए थे, प्लस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि नए स्टूडियोज़ के मैंने कुछ स्टोरीज अपलोड किए हैं। सो गाइज उसका सेटअप टूर जल्दी ही आएगा, क्योंकि अभी सेटअप करना बाकी है स्टूडियो का। सो गाइज आते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। सो गाइज आज हमारे पास है सैंडिस्क की 500 GB की SSD, जो बहुत ही बजट प्राइस में आपको अवेलेबल मिल जाती है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है और प्लस वाटर रेजिस्टेंट है। और गाइज ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग, तो चलिए हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसे ये SSD। सो गाइज ये है उसका एक्चुअल बॉक्स, और बॉक्स के आगे की तरफ यहाँ पे लिखा है एक्सट्रीम पोर्टेबल SSD, और यहाँ पे आपको देखने मिलती है उसकी रीड राइट स्पीड और वो एक्चुअल हार्ड डिस्क की इमेज आपको देखने मिलती है। बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलती है उसकी MRP और कुछ स्पेसिफिकेशंस। सो गाइज ये है वो एक्चुअल SSD, आप देख सकते हो काफ़ी स्लिम प्रोफाइल है। पीछे की तरफ आपको देखने मिलते हैं उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन, और गाइज ये काफ़ी स्लिम है। और नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है USB Type-C, और गाइज ये इतना कॉम्पैक्ट है कि आप आपके मुट्ठी में भी इसे रख सकते हो कुछ इस तरीके से, और इजीली कहाँ पे भी कैरी कर सकते हो। प्लस इसके साथ आपको देखने मिलता है Type-C to Type-C केबल, और जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हो USB to Type-C केबल में। सो ये जो केबल इंक्लूड की है वो बहुत ही बढ़िया केबल है, और प्लस यहाँ पर हम इसे कनेक्ट करते हैं हमारे PC के साथ। और गाइस जैसे हम कनेक्ट करते हैं आप देख सकते हो ये डिटेक्ट हो चुका है एक्सटर्नल SSD। सो गाइस अभी हम करेंगे इसकी रीड राइट स्पीड टेस्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो राइट स्पीड है वो ऑलमोस्ट 1300+ MBPS चली गई है, और जो रीड स्पीड है वो ऑलमोस्ट 2500 MBPS है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। सो गाइस ये जो SSD है काफ़ी बढ़िया रीड एंड राइट करती है। सो गाइज यहाँ पे हम करेंगे इसकी वाटर टेस्ट, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पानी इसके ऊपर पोर किया है, और गाइज अभी हम कनेक्ट करेंगे वापस इसे हमारे लैपटॉप के साथ। सो गाइज यहाँ पे हम लैपटॉप के साथ इसे कनेक्ट करते हैं, और आप देख सकते हो जो एक्सटर्नल SSD है वो डिटेक्ट हो चुकी है। सो गाइज भले इसके ऊपर पानी गिर जाए तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा है उस SSD का अनबॉक्सिंग, गाइज ये जो SSD है ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आप देख सकते हो कम्प्लीटली मेरी मुट्ठी में बैठ जाता है, आप इजीली इसे कहाँ पे भी कैरी कर सकते हो। और प्लस गाइज ये वाटर रेजिस्टेंट है, तो यहाँ पे आपने देखा स्प्लैश प्रूफ आप बोल सकते हो, कम्प्लीटली आपको वाटर में इसे सबमर्ज नहीं करना है। बट अगर थोड़ी बहुत यहाँ पे बारिश में अगर ये भीग जाता है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, और प्लस ये डस्ट रेजिस्टेंट भी है। सो गाइज यहाँ पे जो केबल मिलती है वो आप देख सकते हो वो है Type-C to Type-C केबल, और आगे यहाँ पे एक एक्सटेंशन कॉर्ड मिलता है। सो उसे बस आप रिमूव कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और गाइज मैं सजेस्ट करता हूँ अगर कोई ये SSD परचेस करना चाहता है, सो अगर आपके PC में या फिर लैपटॉप में USB 3.0 रहेगा तो ही आप इस SSD को परचेस कीजिए, नहीं तो जो स्पीड है वो मैच नहीं होगी। सो गाइज इसकी जो रीड और राइट स्पीड है वो आपने देखा ही होगा, काफी बढ़िया रीड और राइट स्पीड यहाँ पे आपको देखने मिलती है। सो गाइज ओवरऑल मेरे हिसाब से काफी वर्थ ये SSD है इस प्राइस रेंज में, और गाइज ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा 8,300 रुपीज का Amazon से। सो अगर किसी को इस SSD को परचेस करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हो। सो गाइज बस यही था आज का अनबॉक्सिंग वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा Facebook पेज और Instagram पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।